नमस्कार सभी भाई और बहनों को, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। भाई और बहनों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मेले, और राजस्थान के मेलों का ये अगला पार्ट है, और कल एक वीडियो और डालूँगा मेलों का, राजस्थान के पशु मेलों से संबंधित। तो तैयार रहिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में मज़ा आए तो गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, एक का एक मेला आपके याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना, इतनी सी रिक्वेस्ट आप स्वीकार करना। बाकी मेले और त्यौहार भी मैंने इससे पहले आपको करवा दिए हैं केवल 6 वीडियो में, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल आपके लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है, और आपको जो भी टॉपिक हार्ड लगता है वो मेरी नज़र में है, वो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के वीडियो का पहला मेला लिया है मैंने, सेम्पू महादेव का मेला। कहाँ भरता है? धौलपुर में भरता है। कौन से महादेव का? सेम्पू महादेव का मेला धौलपुर में भरता है। कैसे इसको कनेक्ट करना है, इस बात पे गौर करना। देखो, सेम्पू महादेव में शुरुआत में नाम लिखा है सेम्पू। क्या लिखा है? सेम्पू। इस सेम्पू ने आपा बोलना जना अपन सेम्पू की याद को नहीं आवे के सेम्पू। आपा कौन दे हाथ धोले रे क्यों दऊं सेम्पू, सिर धोले रे क्यों दऊं सेम्पू। लिख रहे हो ना, सेम्पू महादेव का मेला सेम्पू। सेम्पू के काम आवे बताओ थे? सेम्पू काम आवे कोई भी चीज़ ने धोवण के, सिर धोवण के लिए सेम्पू काम आवे, हाथ धोवण के लिए भी सेम्पू काम आवे। वाह, ई देखो ई ऊन यदि मैं ई पै के नीचे लगा दूँ तो सेम्पू बने कौन बने? और भी यहाँ अर्थ में बोलण में यो सेम्पू की ही याद दिलावे। सेम्पू का ही काम आवे इतनी बताई दो, सेम्पू काम आवे धोबा के। और मतलब सेम्पू महादेव का मेला कहाँ भरता है? सेम्पू महादेव का मेला धौलपुर में भरता है। आशा करता हूँ कनेक्ट हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कानन मेला। कानन मेला कहाँ भरता है? कानन मेला कन्नाणा बालोतरा में भरता है। कैसे कनेक्ट करें इसको, सुनिएगा मेरी बात को। मैं बातों ही बातों में यहीं से बातें उठा के और आपको माइंड में इस तरह फीड करवाऊंगा कि एग्जाम में कानन मेला पूछेगा, ऑप्शन में कन्नाणा बालोतरा दिखेगा, आप तुरंत क्लिक करेंगे। अगर आपके याद भी नहीं होगा ना तो भी आप आंसर दे देंगे। कानन मेला कन्नाणा बालोतरा में भरता है, कैसे करें याद? तो देखो, कानन भरतपुर दोसा अठिने जो भाषा है ना, भी कमाइन कान ने बोले कानन, तास ने बोले तासन, मतलब लास्ट में नए लगावे है। अलवर की तो मैं कौन कह सकूँ, भरतपुर और दोसा आ दो क्षेत्र का मायने तो पक्का लगावे है। तास ने तासन बोले, कान ने कानन बोले, तो वो लिख रहे है कानन। और एक कानन में शुरुआत में नाम लिख रहे हो कान, दिखाएगा थान कान। कई लोग यहाँ का वह है जो इन्ने की बात उनने कह देवे, उनने की बात इनने कह देवे, लोगन बिड़ाए देवे, बिड़ावे है ना, इनने की बात इनने कह देनो बिने आपने शेखावाटी में, मैं शेखावाटी हूँ, शेखावाटी में कवे कान बरनो, के कवे कोई की बात अठाऊ सुन के बिका कान में कह देनी, मतलब इन कवे कान बरनो। तो कान है ना, कई लोग दूसरा लोगों का कणा भर देवे। देखो कन्नाणा में लिखे रहे कन्ना, कान कणा भर देवे। कई लोग है ना वह अठे की बात अठिन बतावे, इको मतलब वह लोगों का कान भर देवे, कान कणा भर देवे। पतो ही कौन चल है, कानन थारे कान याद आई, ऑप्शन में थन कन्नाणा दिखी जना याद आई, कान कणा भर देवे, पतो ही कौन चल है। अया का जका लोग है ना बन बाड़ो,
नहीं तो वह लठ बजवाई गठे। यहाँ का लोगों के करा जका कान कणा ही भर दे बन को के करा बन बड़ो बड़ो बोले तो बालोतरा। कानन मेला कहाँ भरता है, कन्नाणा बालोतरा में भरता है। आशा करता हूँ कनेक्ट हुआ होगा और भूल नहीं पाएंगे, ऑप्शन में दिखेगा, गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट देखो, तीन नंबर पे लिखा है दधीमती माता का मेला। कौन सी माता का मेला? दधीमती माता का मेला कहाँ भरता है? गोठ मांगलोद नागौर में भरता है। सुनो, दधीमती माता के शुरुआत में नाम आर्य दधी के नाम आर्य है, दधी नाम आर्य के नाम आ रही है, दधी, दधी को मतलब वह दही, दधी को मतलब कहीं वह दही, दधी को मतलब वह दही, दही सबसे ज्यादा है ना, जठा तक मैं देखियो है, दही सबसे ज्यादा नागौर में खावे, कट्ठे खावे नागौर में खावे, सुबह दोपहर रात नहीं दही छाछ खावे, सबसे ज्यादा दही कट्ठे खावे, सबसे ज्यादा दही खावे नागौर में, याद रखियो नागौर में भरे है। दधी मती माता का मेला, दधी को मतलब दही, दही सबसे ज्यादा खावे है नागौर में, सुबह भी खावे दोपहर में भी खावे छोड़े रात नहीं कोनी, रात नहीं चेप जावे, मतलब दधी मती माता को मेलो कट्ठे भरे नागौर में भरे। गोठ मांगलोद किया रखा याद तो सुनो, अगर घर में दही नहीं हुए तो चाहे मांग के लो, मांगलोद में देखो शुरुआत में लिखो है मांग लो, चाहे पड़ोसी कन मांग लो, पर नागौर आला ने रात ने दही चाहिए, जेब रात ने दही खवे ही, खुद कन नहीं हुआ तो के कर लो, चाहे पड़ोसी कन मांग लो, मांग लो मांगलोद में भरे, और मांगलोद के पास में ही गांव है गोठ। दधीमती माता को मेलो कठे भरे गोठ मांगलोद में भरे, गोठ मांगलोद नागौर में पड़े, नागौर धान में कनेक्ट करवाया है दधी, दधी को मतलब दही, और दही सबसे ज़्यादा खावे नागौर में, चाहे पड़ोसी के नहीं मांग के लड़ो पड़े, मांग लो चाहे पड़ोसी के न मांग लो, थारे याद रही मांगलोद में भरे गोठ मांगलोद में दधीमती माता को मेलो भरे, जो कि कट्ठा है नागौर में है। हुयो कनेक्ट, करो चैनल ने सब्सक्राइब, वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो फटाफट, इतनी सी रिक्वेस्ट स्वीकार करो, बाकी काम तो मैं कर रही ही हूँ और देख ले सूँ, एक को एक टॉपिक जो मैं थाने करवा रही हूँ सीधो माइंड में बैठाऊँगा, पक्की गारंटी देऊ हूँ। नेक्स्ट देखो, चार नंबर पर लिखा है कल्प वृक्ष मेला। ये कल्प वृक्ष मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन में दिखेगा जैसे मैंने लिख रखा है, ये क्वेश्चन में दिखेगा, ये ऑप्शन आंसर जो ऑप्शन लिखे हुए रहेंगे उसमें मिलेगा, तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, पक्का विश्वास है कि आप सही करेंगे। देखो, कल्प वृक्ष मेला कहाँ भरता है? मांगलियावास अजमेर में भरता है। कैसे कनेक्ट करना है यही बात तो सुननी है, सुनो, कल्प वृक्ष मेला अठिन नाम आर्य कल्प वृक्ष, और ई मांगलियावास में एक नाम आर्य गलियां आ रही है कि कल्पना करो हर गली के मायने वृक्ष लाग जावे, क्यों जावे? कल्प वृक्ष, और आगे जो आंसर अभी में नाम आ रहे है मांगलियावास में गलियां, कल्प मतलब कल्पना करो हर गली के माई वृक्ष लाग जावे, जरा लास्ट में देखो आ रहे है वास, लोगों को वास सुधर जावे, बीमारियां दूर हो जावे, गंदगी दूर हो जावे, शुद्ध हवा मिलने लग जा, मतलब कल्पना करो हर गली के माँ, गली के माँ थारी याद आई मांगलिया, और लोगों को वास मांगलिया वास सुधर जावे, शुद्ध हवा मिले बन, मतलब कल्पना करो कि हर गली के माए वृक्ष लाग जावे तो लोगों को के सुधर जावे, लोगों को वास सुधर जावे, गली के माँ मांगलिया और वास सुधर जावे, वास मतलब मांगलिया वास में के भरे कल्प वृक्ष मेलो भरे, और यो मांगलियावास कठे पड़े है अजमेर में पड़े है, मतलब कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में भरता है। नेक्स्ट देखिएगा, पांच नंबर पे लिखा है खलकाणी माता का मेला कहाँ भरता है? खलकाणी माता का मेला लुणियावास जयपुर ग्रामीण में भरता है।
इसको कैसे कनेक्ट करें, मज़ा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। खलकाणी माता में शुरुआत में नाम लिखा है खलकाणी, और इस नाम को गौर से पढ़िएगा। शुरुआत में तीन ही अक्षर देखो, खैल का खड़का, खड़ जानो ना, पशुन देवा, आप भैंसन देवा, गायन देवा, दूध वास्ते भी खड़का, खड़का। और गर्म के लागे देखो आगे लिखेड़ो है लूणियो लूण। प्रत्येक जिम्मेदार आदमी ने, जो को आपके घर को वरिष्ठ नागरिक है, जो अपने घर ने चलावे, भी आदमी ने दो चीज़ों को भाव तो पक्को पतो रही, एक तो खड़को और एक लूण को हर महीने लानो पड़े है बिने। तो खलकाणी माता का मेला में देखो, खलकाणी में शुरुआत में नाम आ रहा खड़का, और इको एंसर उसी भी का मायने आ रहा लूण, मतलब लूणियावास। खलकाणी माता का मेला, खड़का और लूण का भाव हमेशा याद रहे है, मतलब लूण थारे याद आई, लूणियावास, खड़का, खड़काणी माता होगी। खड़काणी माता को मेलो कठे भरे, खड़काणी माता को मेलो लूणियावास जयपुर ग्रामीण में भरे सा। हुयो कनेक्ट किया, खड़का और लूण का भाव की के याद को नहीं, सब कहे महीने की महीने लड़ो पड़े है। ओके, छः नंबर पे लिखा है फूटा देवल मेला कहाँ भरता है, राजसंबंध में। तो देखो राजसंबंध में लास्ट में नाम आ रहा है संबंध। फूटा देवल मेला, देवल ने आराम पढ़ो, देवल देवला, फूटा फूटाऊँ आवाज़ निकले थोड़ी थोड़ी, छूटा मतलब छूटा देवला, कहीं छूटा देवला का कई लोगों की यहाँ की आदत हुआ करे, कोई को संबंध हो जाए ना जनाब, फटाफट संबंध छूटा देवला, कहीं छूटा देवला, फूटा देवला मेला, फूटा देवल मेला, आराम हूँ तसल्यू, धीरे धीरे फूटाऊँ छूटा देवलू देवेला, छूटा देवेला, कहीं छूटा देवेला, कई लोगों की आदत हुए, अगर कोई को रिश्तो हो जावे, संबंध हो जावे, तभी संबंध ने छूटा देवेला, मतलब संबंध छूटा देवेला, याद रह जाई। राजसंबंध में भरे है फूटा देवल मेला, राजसंबंध में भरे है 100% गारंटी देऊँ थाने। ऑप्शन में राजसंबंध दिखी, क्वेश्चन में फूटा देवल मेला दिखी, तुरंत राजेश रावत याद आई थारे कि सर यहाँ बतायो हो, फूटा मतलब छूटा, देवल हूँ देवेला, कहीं संबंध राजसंबंध में भरे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला मेला है मातृकुंडिया मेला कहाँ भरता है, रासमी चित्तौड़गढ़ में भरता है। मातृकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में भरता है, कैसे याद करें सुनो। मातृकुंडिया मेला में शुरुआत में नाम आ रहा है मातृकुंडिया, के समझे ये चीज़ सुनो। मातृ हूँ माता याद आवे, कुंडिया हूँ घराला कुंडिया याद आवे, घरा माँ रहे और घराला कुंडिया भी तो घर ही रहे, मकाना के किवाड़ा कुल लगे रहे कि लगे रहे। मातृ कुंडिया, एक बात बताओ, अगर मेला में जावा या रात ना आप सोवा, जना सबसे पहले कुंडिया कुण लगावे घरा के, माँ लगावे सा, माँ कुंडिया लगावे घरा, श्याम को रात ने सोज ना देख लीजियो थारू कौन जड़ा जावे, कुंडिया थारी माँ ही लगाई, कौन लगावे, माँ लगावे। तो माँ के लगावे, माँ कुंडिया लगावे, और पछे पछे देखो घर की लाइट ऑफ करे, के करे घर की रोशनी, रोशनी थाने याद आई रश्मि, माता कुंडिया लगावे घर में, और के करे, और घर की रोशनी है बिन ऑफ करे, मतलब लाइट ऑफ करे, रोशनी उठारे रासमी याद आई। अब एक बात बताओ, माँ घर में कुंडिया क्यों लगावे, माँ घर में कुंडिया इलिए लगावे कि कोई चोर तोड़ के नहीं ले जावे, काई तोड़ के ले जावे, अरे पेटी का ताला तोड़ के, पेटी में कोई सोनो कोई गहनो बहुत तगड़ो रखेड़ो हुए, बिन पेटी को ताड़ो तोड़ और उड़ जावे कुणे चोर, के कर ले वे, तोड़ ले वे ताड़ा, तोड़ ले वे ताड़ा, उतारे याद आई। चित्तौड़ में भरे सा माता कुंडिया लगावे, घर की रोशनी बंद करे, मतलब रश्मि, और कुंडिया इलिए लगावे कि कोई चोर पेटी का ताड़ा तोड़ के गहना नहीं निकाल ले जावे, मतलब तोड़ू थारे चित्तौड़गढ़ याद आई। बताओ इन भुल्लोला के मातृकुंडिया मेला कहाँ भरता है, माता कुंडो क्यों लगावे,
क्योंकि चोर तोड़ ले जावे, कहीं पेटी का ताला जना चित्तौड़गढ़ याद आई, पछे कुंडियो लगा के माँ घर की रोशनी बंद करे, रोशनी उठारे रासमी याद आई, मतलब मात्र कुंडिया मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में भरता है, हुआ याद? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे को बताइएगा वीडियो कैसे लगते हैं, आपको तुरंत याद होते हैं कि नहीं होते ये भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है। देखो ये हो गया, नेक्स्ट है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है, इसको कैसे याद करना है बड़े आराम से सुनना। बादशाह होता ना, पहला राजा होता, बादशाह होता, बाका जो मुकुट है ना, वह मुकुट पर माँ को देखो बड़ा बड़ा साफा बंदिया रहता, शेरा सा बंदिया रहता। एक बात बताओ, आपा भी अपने घर में कोई को ब्याह हुए जना एक आदमी की पूरी खातरदारी करा, बिन राजा सा ही जया को माहौल देवा, देवा कुन देवा, बींद ने, बींद की बात करूँ मैं, बींद ना आपा बादशाह बनावा, किन बनावा, बींद ने बादशाह बनावा, जक दिन की दिन जिस दिन भी को ब्याह हुए बादशाह नाम आता ही थारे ब्याह याद आना चाहिए कि आपा भी बादशाह बींद ने बनावा। हाँ कद बिका ब्याव में, मतलब बादशाह मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में भरता है। आशा करता हूँ ये तो कनेक्ट हो गया होगा। दो डाटा और इसके साथ याद करने हैं, बादशाह टोडरमल को बनाया जाता है। एक बात सुनो, जिको ब्याव है या कोई आदमी देखो या अकड़ मकड़ चल लग जावे ना अपने गाँव में, कौन कह देवे है कि देवड़ो के टोडरमल हो रही है, कहे ना बी यही भी बींद का भाव बढ़ जावे, बस वो करे भी यही हुए बिक्की चाले लग जावे एक दो दिन वास्ते, जना लोग कह देवे दे मड़ो टोडरमल हुए फिरे है, देखांगा थोड़ा दिन बाद में। मतलब बादशाह किन बनावे, बादशाह टोडरमल ने बनावे, कनेक्ट हुयो बिक बाद में। देखो बिरबल है ना, बिरबल वो भी बादशाह के आगे आगे भैरव या मोर नृत्य करता है, इसको कैसे याद रखें। देखो बिरबल में शुरुआत में नाम आ रही बीर, बीर मतलब भाई, भाई मतलब भी का भाई लाकी का बींद का, बींद का भाई ला बींद का बीर के करें, बे घोड़ी के आगे आगे नाचे कौन की, बिल्कुल नाचे सा, तो बीरू याद आई बिरबल नृत्य करे। अब नृत्य किसो करे तो एक बात और सुन लियो, अन्यथा मत लीजियो, बींद का जगह बीर है ना वह डीजे पर नृत्य करे ना, जना सारा का सारा मैं गारंटी देऊ हूँ कि सारा का सारा मैं लगभग 50% बीर तो बैरू जी बनेला ला देगा, देख लीजियो अटकाएड़ा ला देगा, देख लीजियो। मतलब बिरबल कौन सो नृत्य करे, भैरव नृत्य करे, और आपने सिखावटी और मारवाड़ का क्षेत्र में जको आदमी अटकाएड़ो हुए लिएड़ो हुए दारू पानी पियड़ो हुए भी आदमी ने इं भी कहे देख मोरियो बनो फिरे है, के बनो फिरे है मोरियो बनो फिरे है, मतलब बिरबल जो है ना वो भैरव नृत्य या मोर नृत्य करता है, किसके आगे आगे बादशाह टोडरमल की जो सवारी निकलती है मेले में उसके आगे आगे। मेले में बादशाह टोडरमल को बनाया जाता है, बिरबल क्या करता है, बिरबल में बीर, बीर के करें रहे बींद का आगे आगे डांस कौन करेंगे, करें बैरू जो बनेड़ा रहे सारा भैरव नृत्य करता है बिरबल, सारा मोरिया बनेड़ा रहे मोर नृत्य करता है। मतलब बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है, बादशाह टोडरमल को बनाया जाता है, और बिरबल उस बादशाह के आगे आगे भैरव या मोर नृत्य करता है, गारंटी देता हूँ इसके बाद में कभी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ आपको याद हो गई है, याद ही नहीं हुई इस खोपड़े में बैठ गई है, आपके अवचेतन मन में चली गई है, याद भी नहीं रहेगा, एग्जाम देने जाओगे तो 100% आपको याद नहीं होते हुए अवचेतन मन तुरंत आपको आंसर निकाल के देगा कि ले भाई पकड़ ये है आंसर और कर दे टिक। आई बात समझ में? देखो यदि आपने इस वीडियो को ओपन किया है इसका मतलब जरूर आप सक्सेस होना चाहते हैं। मान लीजिए आप बिल्कुल इस वीडियो पर क्लिक करते ही सही जगह पे आ गए हैं, मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा मुझे विश्वास है आपको 100% याद होगा, तो आपको तो विश्वास होना चाहिए कि आपको याद होगा कि नहीं, 100% नहीं उससे ऊपर निकल जाएगी बात, आपको याद
पक्का होगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, फत्ता जी का मेला कहाँ भरता है? जालोर में भरता है। सबसे पहले यही बातें नहीं याद होती अपने, अरे डिटेल तो बाद में पढ़ो, पहले तो ये पढ़ो ना है कहाँ, भरता कहाँ है, वही पतो को पता, डिटेल पढ़ना फायदों का ही हुई। तो देखो, फत्ता जी का मेला कहाँ भरता है? जालोर में भरता है। जालोर में भी एक गांव पड़ता है, सत्थु गांव, वहाँ भरता है। इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करें, सुनो। फत्ता जी का मायने एक नाम आ रहा फत्ता, और जालोर में नाम आ रहा जाल। थे बताओ, थे कदे भी कोई फट 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 की आवाज़ सुनी के? करो देखा याद, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ देखा, सुनी कि किसी आवाज़, फत 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 की आवाज़? आ किसी आवाज़ आगे मैं तो कौन सुनी, सुनो मैं बताऊँ, कठे हुए है आवाज़। कोई पक्षी है ना पक्षी, और वो जाल में फंस जावे। क्या में फंस जावे? पक्षी जाल में फंस जावे जनाब, वो आपका पंखों आवाज़ करे, करे फट 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 फट, करे कौन करे? बिल्कुल करे। अरे पक्षी फट फट की आवाज़ कद करे, फत फत तू थारे फत्ता जी याद रही, कद करे जद वो बेचारो पक्षी जाल में फंस जावे, जालू थारे जालोर याद आई। फत्ता जी का मेला कहाँ भरता है? फत्ता जी का मेला जालोर में भरता है। जालोर में गांव पड़ता है सातु गांव में फत्ता जी का मेला भरता है। फत्ता जी फत फत याद आई, फत फत तो पक्षी जाल में फंस जावे जना पाखड़ा करया करे है, मतलब जालू थारे जालोर याद आई। फत्ता जी को मेलो कट्ठे भरे जालोर में भरे, हुयो याद। आगे चलो, 10 नंबर पे लिखा है तीर्थ राज मेला कहाँ भरता है? मचकुंड धौलपुर में भरता है। कैसे कनेक्ट करें? ये जो मचकुंड धौलपुर है ना, इसे तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। कहीं कवे इन तीर्थों को बाणजो कवे, किन्ने? मचकुंड धौलपुर ने, ठीक है। तीर्थराज मेलो भी कठे भरे, अठे ही भरे मचकुंड धौलपुर में। एक बात देखो, तीर्थराज में शुरुआत में नाम आ रहा तीर्थ। आप यदि कोई तीर्थ करबान जावा, या आपने घर का जावे, या कोई पड़ोसी जावे, या कोई भी जावे कठे तीर्थ करबा वास्ते जावे, तो पक्की बात है कि जठे तीर्थ करबा जा रिया है बठे कुंड जरूर बनेड़ा है। कहीं बनेड़ा है? कुंड। और वह तीर्थ में जाके कोई तो आपका हाथ धोवे, कोई पग धोवे, कोई पूरा शरीर ही धोवे, मतलब पूरा ही नाले भी के अंदर बडर, मतलब तीर्थ हूँ थारे कुंड याद आई। तीर्थ कठे करने जावा, कोई कुंड में ही करने जावा, तीर्थ कुंड में करने जावा, और बठे अपना हाथ पग धोवा धोवाऊँ धौलपुर। तीर्थ राज मेला कहाँ भरता है? मचकुंड धौलपुर में भरता है। तीर्थ हूँ याद आई, कुंड में जावा नाबानर, बठे अपना हाथ और पगर पूरा शरीर धोवा, पवित्र बनने जावा, आप तीर्थ करने जावा जना जना। तीर्थराज मेलो कठे भरे, तीर्थराज मेलो मचकुंड धौलपुर में। मचू यहाँ भी याद रख लो, आप माच माच के कुंड में, कई की आदत है, कई छोरा क्यों करो यहाँ किनारा पर खड़े हो जाओगे और फिर छलांग लगा रहा बेटा पछ नवेगा, मतलब तैरेगा माच माच के पड़ेगा कुंड के मायने, मतलब मचकुंड धौलपुर में भरता है। किसका मेला? तीर्थराज मेला। नेक्स्ट देखिएगा, 11 नंबर पे लिखा है गरुड़ मेला। गरुड़ मेला कहाँ भरता है? गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में भरता है। एक बात बताओ, गरुड़ के वह गरुड़ पक्षी वह गुरुजी? बिल्कुल गरुड़ पक्षी वह। ओ के करे? ओ ऊंची उड़ान भरे। के करे? उड़ान भरे, मतलब भरतपुर में है। अरे कोई भी पक्षी हो वो उड़ान भरे, कौन भरे? भरे, पर आप गरुड़ की बात कर रही हैं। वो गरुड़ उड़ान भरे ऊंची भरे हूँ थारे भरतपुर याद रही। गरुड़ के करे? गरुड़ पक्षी वह जना यो उड़ान भरे, उड़ान भरे जना भरतपुर याद रही। और ऊंची उड़ान भर के कट जावे ऊंचा पहाड़ को ऊपर जाके बैठ जा थारे पहाड़पुर याद रही। बताओ गरुड़ मेलो कटे भरे बंसी पहाड़पुर भरतपुर में भरता है। कैसे कनेक्ट किया? गरुड़ पक्षी होता है, ऊंची उड़ान भरता है, भरताऊँ भरतपुर याद रही। और ऊंची उड़ान भर के दूर ऊंचा पहाड़ के ऊपर जार बैठ जावे पहाड़पुर याद आई। कौन सो पहाड़? बंसी पहाड़पुर। ऑप्शन में साफ साफ पड़ा मिलेगा बंसी पहाड़पुर भरतपुर में भरता है। कौन सा मेला? गरुड़ मेला। इतना सा याद रखना, गरुड़ पक्षी और उड़ान भरे भरऊँ भरतपुर, और पछ उड़ान भर के कट जावे पहाड़ को ऊपर जार बैठ जा पहाड़पुर में भरे। कौन सो पहाड़पुर? ऑप्शन में दिखी था बंसी पहाड़पुर।
मतलब गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में भरता है। नेक्स्ट देखिएगा नारायणी माता का मेला, नारायणी माता का मेला जो है वो सरिस्का अलवर में भरता है। यहाँ मैंने मेला लिखा नहीं है, लिख लेना, नारायणी माता का मेला, नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में भरता है। कैसे याद करना, देखो नारद जी है ना, तो एनी टाइम क्या करता, नारायण 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 करता, कौन करता, कौन करता, नारद जी करता। क्यों, क्योंकि नारायण नाम है ना, ये नारायण नाम सरी को दूजो नाम है कोनी, बहुत अच्छो नाम है, भगवान को नाम है, नारायण सरी का दूजा नाम नहीं है, इलिए ई नाम हूँ थाने लव करनो चाहिजे, कहीं करनो चाहिजे, ई नाम हूँ थाने हेत करनो चाहिजे, लव करनो चाहिजे। नारायणी माता में नाम आ रियो नारायण, नारायण सरी का नाम नहीं, सरी का हूँ थारे सरिस का याद रही, और ई नाम हूँ थाने लव करनो चाहिजे, पूरा का पूरा ई नाम का लवर बन जाओ रे, लवर हूँ थारे अलवर याद आई। बताओ नारायणी माता को मेलो कठे भरे, नारायणी हूँ नारायण दिखियो, नारायण तो नारायण तो नारद जी कर्या करता। क्यों, क्योंकि नारायण सरी का नाम नहीं दूजा, इलिए ई नाम आपन लव कर लेनो चाहिए, ई नाम को आपन लवर बढ़ जानो चाहिए, भगवान का ही लवर बनना चाहिए। जना सरी का हूँ थारे सरिस का याद रही, नारायण सरी का नाम नहीं, सरी का हूँ सरिस का याद रही, और ई नाम आपन कहीं कर लेनो चाहिए, लव कर लेनो चाहिए, मतलब अलवर में भरे। नारायणी माता का मेला अलवर सरिस्का में भरता है। आशा करता हूँ ये एक का एक मेला आपको कनेक्ट हो गया होगा, याद हो गया होगा, पक्की गारंटी देता हूँ। यदि आपने लिखा है तो आप छुपा के और बोल बोल के देख लीजिएगा, आपको एक का एक मेला याद हो चुका है, और ऑप्शन में दिखेगा तो माइंड को ज़्यादा जोर ही नहीं आएगा, डायरेक्ट क्लिक करते हुए आप आंसर देते चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो प्यारे मित्रों भाई और बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अगले मेलों के साथ, जो कि राजस्थान के पशु मेले होंगे उनका वीडियो होगा। एक का एक पशु मेला आपके माइंड में बैठा के जाऊंगा, कहाँ भरता है, किसका भरता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इतनी सी रिक्वेस्ट स्वीकार करें, मुझे सपोर्ट करें। बाकी जीके आपको मैं याद 101% याद करवा दूंगा। धन्यवाद, राम राम सा।